Hello students, welcome to Gate Academy. Today we are going to discuss method of images. So in method of image, suppose we have the charge configurations. ठीक है, charge configuration मतलब different charge distribution हम लोग already देख चुके हैं, like point charge, surface charge, line charge, volume charge. ठीक है, तो ये सारे हमारे पास charge distribution है suppose, and that is placed above infinite grounded परफेक्ट कंडक्टिंग प्लेन. इनफाइनाइट ग्राउंडेड, ठीक है, ये ग्राउंड है, इनफाइनाइट प्लेन होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए और परफेक्ट कंडक्टिंग प्लेन होना चाहिए. एंड इफ दिस चार्ज कॉन्फिगरेशन इज प्लेस्ड अबव दिस इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन, परफेक्ट कंडक्टिंग प्लेन, देन वी अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ मैथड ऑफ इमेज. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मैथड ऑफ इमेज क्या होता है ये. सो इट स्टेट्स दैट if any charge configuration, if any charge configuration placed above infinite grounded perfect conducting plane, then then we apply the method of image, and according to this, if it is placed above the perfect conducting plane, then it is replaced by the charge configuration itself. The charge configuration itself and its image, we will see ki image ka kya meaning hai, its image and equipotential surface. In place of grounded plane. ठीक है, तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ मेथड ऑफ इमेज या इमेज थ्योरी. इमेज थ्योरी का स्टेटमेंट ये है. अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं परफेक्ट ग्राउंडेड परफेक्ट कंडक्टिंग प्लेन को. ठीक है, परफेक्ट कंडक्टिंग प्लेन को रिप्लेस कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस में. दिस इज नाउ इक्विपोटेंशियल सरफेस. एंड दैट इज रिप्लेस्ड बाय चार्ज कॉन्फिगरेशन इट्सेल्फ. चार्ज कॉन्फिगरेशन इट्सेल्फ मतलब अगर आपके पास चार्ज कॉन्फिगरेशन क्यू था, पॉइंट चार्ज था, तो वो एज इट इज रहेगा. ठीक है, एंड इट्स इमेज. इट्स इमेज मतलब क्या होगा कि जितने डिस्टेंस पे ये इस ग्राउंड के अबव प्लेस्ड है, इस प्लेन के अबव जितने डिस्टेंस पे ये प्लेस्ड है, उतने ही डिस्टेंस पे ये इन साइड द कंडक्टिंग रीजन प्लेस्ड होगा और इसकी जो पोलैरिटी होगी वो जस्ट ऑपोजिट होगी. इक्वल एंड ऑपोजिट पोलैरिटी होना चाहिए, इसका इमेज होना चाहिए. ठीक है, तो जैसे अगर ये जितने भी हाइट पे प्लेस्ड है, मान लो कि ये डी डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, तो सेम डिस्टेंस डी पे ही ये इनसाइड द परफेक्ट कंडक्टर प्लेस होना चाहिए और उसकी जो पोलैरिटी है वो ऑपोजिट पोलैरिटी होगी और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा. ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास इस तरीके से लाइन चार्ज है दैट वॉज प्लेस्ड अबव द परफेक्ट कंडक्टिंग प्लेन, देन दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय इट्स इमेज. दैट मीन्स इफ इट वॉज द पॉजिटिव लाइन चार्ज डेंसिटी, देन इट वुड बी निगेटिव लाइन चार्ज डेंसिटी माइनस रो एल. ठीक है, और इफ इट इज डिफाइंड बाय एक्स इक्वल टू जीरो एंड जेड इक्वल टू एच, देन इट वुड बी डिफाइंड एज एक्स इक्वल टू जीरो एंड जेड इक्वल टू माइनस एच. ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास इस तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेस था अबाउट द परफेक्ट कंडक्टिंग प्लेन, सो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय इट्स इमेज, दैट वुड बी माइनस
rho s if it was plus rho s. So in this way we apply the image theory, and when we apply the image theory the two condition must be satisfied. So the first condition is ki jo bhi aapka image charge hoga that should be always placed inside the conducting region. ठीक है, तो जो भी हम लोगों ने इमेज चार्जेस लिए हैं वो कौन से रीजन में है, कंडक्टिंग रीजन में है, क्योंकि इस केस में ये जो कंडक्टिंग प्लेन है इसका मतलब है कि इसके बिलो जो पूरा रीजन है वो क्या है, परफेक्ट कंडक्टर है. ठीक है, इसके बिलो पूरा परफेक्ट कंडक्टर है, तो इस कंडक्टिंग रीजन पे ही उसके इमेज चार्जेस प्लेस्ड होने चाहिए. ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है, दैट मस्ट बी सेटिस्फाई. इट इज इमेज चार्ज मस्ट बी लोकेटेड इनसाइड द कंडक्टिंग रीजन. ठीक, now the second is the image charges should be located in a such a way that the potential on the plane must be zero. ठीक है, और constant. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो grounded plane था, perfect grounded plane था, उस पर potential जो है वो zero होना चाहिए. image charge को इस तरीके से locate करना है inside the perfect conductor in so that the potential on this surface of this plane must be zero. Clear है? ठीक है, तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो हम लोग लिख लेते हैं इसको. First है image charge must be located inside the conducting region. And image charge must be located in such a way that on the conducting plane, on the perfect conducting plane, पोटेंशियल इज जीरो. ठीक है, पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. क्लियर, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ इमेज थ्योरी एंड दैट वॉज द स्टेटमेंट. क्लियर, नाउ अगर इसमें एक थर्ड पॉइंट हम लोग नोट कर सकते हैं कि थर्ड पॉइंट जो होगा, ये कंडीशंस थी, दिस टू आर कंडीशंस दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड. ठीक है, और इसमें अनदर पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि अगर आपके पास टू सेमी इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है, परफेक्ट कंडक्टिंग प्लेन इस तरीके से, सेमी इनफाइनाइट मतलब जीरो टू इनफाइनाइट. ठीक है, और यहां पे भी अगर आपके पास इस तरीके से परफेक्ट कंडक्टिंग प्लेन है, ठीक है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. इफ टू सेमी इनफाइनाइट परफेक्ट कंडक्टिंग प्लेन इज प्लेस्ड एट सम एंगल, मान लो कि वो एंगल है फाई, ऑब्वियसली यहां पे ये फाइव की वैल्यू 90 है, बट वी आर कंसिडरिंग दैट कि इफ दिस टू सेमी इनफाइनाइट प्लेन इज प्लेस्ड इन सच ए वे दैट इज मेकिंग एन एंगल फाइव. ठीक है, यहां पे आप इस तरीके से भी कर सकते हो अगर चाहो तो, मान लो कि इस तरीके से लोकेटेड है, नॉट एग्जैक्टली एट 90, बट वी डोंट नो द एंगल, बट वी नो द एंगल इज फाइव. ठीक है, सो इन दिस केस द नंबर ऑफ इमेज चार्जेस इज कैलकुलेटेड एज 360 डिग्री डिवाइड बाय 5 माइनस 1, द नंबर ऑफ इमेज चार्जेस, नंबर ऑफ इमेज. ठीक है, और ये नंबर ऑफ इमेज चार्जेस क्या है, जब टू सेमी इनफाइनाइट प्लेन, ठीक है, दीज आर सेमी इनफाइनाइट प्लेन्स, नॉट इनफाइनाइट, दीज आर सेमी इनफाइनाइट प्लेन्स. ठीक है, सपोज वी हैव टू सेमी इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन विच इज प्लेस्ड एट 90 डिग्री एंड द चार्ज इज प्लेस्ड अबव दिस टू कंडक्टिंग प्लेन, दैट इज सेमी इनफाइनाइट. ठीक है, सपोज मान लो कि ये डिस्टेंस डी है, यहां से भी ये डिस्टेंस डी है. ठीक है, तो इस केस में जैसा हम लोग देखे कि नंबर ऑफ इमेज कितना होता है, तो नंबर ऑफ इमेज आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि दिस सेमी इनफाइनाइट प्लेन्स आर प्लेस्ड एट 90 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू 3. सो वी हैव टू कीप 3 इमेज चार्जेस. ठीक है, तो यहां पे हमारे पास इस तरीके से ये आपके पास सेमी इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन था. अब आपको क्या करना है कि यहां पे इमेज प्लेस करना है.
और इमेज हमेशा इमेज प्लेस करने की कंडीशन होती है कि आपके पास जो पोटेंशियल है, ठीक है, ये पोटेंशियल जो सेमी इनफाइनाइट प्लेन पे होगा वो जीरो होना चाहिए और चार्ज मस्ट बी लोकेटेड इनसाइड द कंडक्टिंग रीजन। मतलब ये हमारा पूरा कंडक्टिंग रीजन है, ठीक है, ये पूरा कंडक्टिंग रीजन है इस तरीके से, तो इस कंडक्टिंग रीजन पे ही प्लेस होना चाहिए। और ये हमारे पास दिया हुआ था कि ये वाई एक्सिस था और ये एक्स एक्सिस था, ठीक है। तो चार्जेस प्लेस होने चाहिए, तो चार्ज पहले आपका यहाँ पे प्लेस था क्यू, ठीक है, एट डिस्टेंस डी, और इसके अबव भी एट डिस्टेंस डी, ठीक। तो ये आपका एक चार्ज प्लेस था। अब इमेज चार्ज क्या होता है, एट द सेम डिस्टेंस इनसाइड द कंडक्टिंग रीजन, तो जितने डिस्टेंस पे ये प्लेस था उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इमेज चार्ज प्लेस होगा। और ये इमेज चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी अपोजिट पोलैरिटी। तो अगर ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू। ये भी आपका सेमी इनफाइनाइट परफेक्ट कंडक्टिंग प्लेन था, तो ये परफेक्ट कंडक्टिंग प्लेन के अबव प्लेस दे, तो परफेक्ट कंडक्टिंग के अबव प्लेस दे, तो इमेज चार्ज क्या होगा, इस कंडक्टिंग रीजन में प्लेस होगा, सेम डिस्टेंस डी पे प्लेस्ड होगा, बट उसकी भी पोलैरिटी क्या होगी, माइनस क्यू होगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेज चार्जेस 3 होने चाहिए, अभी कितने आ गए, 2 आ चुके हैं। और अगर हम लोग टोटल देखेंगे तो टोटल निगेटिव चार्जेस ज्यादा है कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज, तो ये ऑब्वियसली जो पोटेंशियल होगा इस पर्टिकुलर सरफेस पे वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस इक्वल नहीं है, ठीक है। तो निगेटिव पोलैरिटी ज्यादा है और पॉजिटिव पोलैरिटी कम है, तो यहाँ पे हमारे पास एक और चार्ज प्लेस करना पड़ेगा, दैट शुड बी अबाउट सिमेट्रिकल अबाउट दिस ओरिजिन। तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल, यहाँ पे आपके पास माइनस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, तो इसके ऑपोजिट यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, प्लस क्यू चार्ज होना चाहिए सेम डिस्टेंस डी पे। तो इस तरीके से आप इमेज चार्जेस प्लेस करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग के पास ये 4 चार्जेस हो जाएंगे। अब अगर आपके पास कोई एक चार्ज प्लेस्ड है बिकॉज ऑफ 2 सेमी इनफाइनाइट परफेक्ट कंडक्टिंग प्लेन, तो बेसिकली हम लोग इस चार्ज की वजह से कोई भी चीज कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोग इस 4 चार्जेस की वजह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि हमको पूछेगा इस पॉइंट पी एक्स वाई जेड पे फोर्स कितना लगेगा, तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस 4 चार्जेस जितना फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स होगा, ठीक है। हो सकता है कि इस पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछे, तो हमको सिर्फ इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकालना है, इन चारों चार्ज की वजह से निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लेस्ड अबव ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन, ठीक है। तो ग्राउंडेड परफेक्ट कंडक्टिंग प्लेन के अबव किसी हाइट पे, सपोज ये हमारे पास जेड एक्सिस है, ठीक है, ये जेड एक्सिस है, ये आपका परफेक्ट कंडक्टिंग प्लेन है, और परफेक्ट कंडक्टिंग प्लेन विच इज ग्राउंडेड, ठीक है। और इस जेड एक्सिस पे एक चार्ज प्लेस्ड है क्यू विच इज एट हाइट 0 0 h, जेड एक्सिस पे है, तो जेड एक्सिस पे एक्स और वाई जीरो होगा, तो ये h हाइट पे आपका चार्ज प्लेस्ड है, ठीक है। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे कोई पॉइंट p पे जो कि एक्स वाई जेड है, इस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है और पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको ध्यान रहना चाहिए कि क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि परफेक्ट कंडक्टिंग प्लेन के अबव चार्ज प्लेस है, तो जहां पे भी आपको परफेक्ट कंडक्टिंग प्लेन बोलेगा और वो ग्राउंडेड होगा, तो उस केस में हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे मेथड ऑफ इमेज अप्लाई करेंगे, ठीक है। परफेक्ट कंडक्टिंग प्लेन बोलेगा, हो सकता है किसी क्वेश्चन में ग्राउंडेड मेंशन ना हो, ठीक है। तो परफेक्ट कंडक्टिंग प्लेन के अबव अगर कोई चार्ज प्लेस है, इसका मतलब हमेशा वहां पे क्या अप्लाई होगा, मेथड ऑफ इमेज या इमेज थ्योरीज अप्लाई होगा। तो इमेज थ्योरी के अकॉर्डिंग इस चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिप्लेस कर देंगे तो वो जीरो हो जाएगा, और सेम जेड एक्सिस पे सेम हाइट पे, ये जेड एक्सिस है, सेम हाइट पे 0 0 h पे आपके पास चार्ज से रिप्लेस करेंगे, और दूसरा एक चार्ज जो होगा इमेज चार्ज वो इनसाइड द कंडक्टिंग रीजन आएगा, जिसकी पोलैरिटी माइनस क्यू होगी, और वो भी आपका सेम डिस्टेंस पे बिलो द कंडक्टिंग प्लेन होना चाहिए। तो सेम डिस्टेंस पे बिलो द कंडक्टिंग प्लेन मतलब कितना डिस्टेंस, 0 0 - h हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वजह से आपको इस पॉइंट P पे जो कि एक्स वाई जेड जिसका कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए इस पॉइंट चार्ज की वजह से अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो यहाँ से हम लाइन ज्वाइन करेंगे, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया मान लो आर वन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज ओवर ओरिजिन, ठीक है। नाउ इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो यहाँ से हम लोग लाइन ज्वाइन करेंगे इस डायरेक्शन में,
मान लो कि ये डिस्टेंस कितना है आर टू, ठीक है। तो ये कितना हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विल बी क्यू अपॉन 4πε0, ठीक है, ए आर वन कैप डिवाइडेड बाय आर वन स्क्वायर प्लस माइनस क्यू अपॉन 4πε0 आर टू स्क्वायर ए आर टू यूनिट वेक्टर, ठीक है, यही होगा। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, तो क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर और आर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे आर वन के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर और आर टू के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो अगर मुझे इसको लिखना है अगर वेक्टर के फॉर्म में, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू इंटू आर वन वेक्टर डिवाइडेड बाय 4πε0 आर वन क्यूब माइनस क्यू अपॉन 4πε0 आर टू क्यूब आर टू वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे वेक्टर आर वन और आर टू क्या है, तो वेक्टर आर वन को आप क्या बोलोगे, देखो वेक्टर आर वन क्या होगा, वेक्टर आर वन मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो दिस इज अवर फाइनल पॉइंट एंड दिस इज अवर इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई जेड, और इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 0, 0, h। तो कितना हो जाएगा वेक्टर आर वन एक्स माइनस जीरो ए एक्स कैप प्लस वाई माइनस जीरो ए वाई कैप प्लस जेड माइनस एच ए जेड कैप, ठीक है। तो आर वन का मैग्नीट्यूड जो होगा, वेक्टर आर वन का मैग्नीट्यूड दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस आर वन जो हम लोग यहाँ पे लिखें, तो ये कितना हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली वेक्टर आर टू कितना होगा, तो वेक्टर आर टू जो होगा ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0, 0 माइनस एच टू एक्स वाई जेड। तो दिस इज अवर फाइनल पॉइंट, दिस इज अवर इनिशियल पॉइंट। तो ये आपका फाइनल पॉइंट है एक्स माइनस जीरो वाई माइनस जीरो एंड जेड माइनस ऑफ माइनस एच। तो ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस जीरो ए एक्स कैप प्लस वाई माइनस जीरो ए वाई कैप प्लस जेड प्लस एच हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो जेड प्लस एच ए जेड कैप। और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस आर टू, ठीक है। अब सेम हमको पोटेंशियल निकालना है, सपोज हमको पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट पी, तो पोटेंशियल क्या होगा, सो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू, तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4πε0 आर वन, ठीक है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, पोटेंशियल हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, सिंपली क्यू अपॉन 4πε0 आर वन प्लस माइनस क्यू अपॉन 4πε0 आर टू। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन 4πε0 वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज विच इज प्लेस्ड अबव परफेक्ट कंडक्टिंग प्लेन एट पॉइंट पी, ठीक है। नाउ इसी तरीके से हम लोग एक और कॉन्फिगरेशन लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास इस तरीके से परफेक्ट कंडक्टिंग प्लेन है जो कि ग्राउंडेड है, इसके अबव एक लाइन चार्ज प्लेस्ड है, इसके अबव रो एल प्लेस्ड है जो कि x इक्वल टू जीरो और z इक्वल टू h से डिफाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक लाइन चार्ज, सॉरी इसको ये क्योंकि परफेक्ट कंडक्टिंग प्लेन के अबव प्लेस्ड है, तो इसको हम लोग रिप्लेस किससे करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिप्लेस करेंगे। तो इस परफेक्ट कंडक्टिंग प्लेन को रिप्लेस कर दिए इक्विपोटेंशियल सरफेस से, और ये जो लाइन चार्ज है इट्सेल्फ द इमेज कॉन्फ़िगरेशन, द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इट्सेल्फ, तो ये क्या हो जाएगा आपका रो एल जो कि एक्स इक्वल टू जीरो और जेड इक्वल टू एच पे प्लेस्ड है, और इमेज से इसको रिप्लेस करेंगे, तो इसका इमेज है आपके पास माइनस रो एल, ठीक है, ये माइनस रो एल जो कि प्लेस्ड होगा एक्स इक्वल टू जीरो और जेड इक्वल टू माइनस एच पे। अब इसकी वजह से एट एनी पॉइंट पी एक्स वाई जेड पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पी पे इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज इज गिवन बाय रो एल अपॉन 2πε0 रो ए रो कैप होता है।
ठीक है। तो यहां पे हम लोग निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पी पे बिकॉज ऑफ दिस प्लस इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज एंड बिकॉज ऑफ दिस निगेटिव इनफाइनाइट लाइन लॉन्ग लाइन चार्ज, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2, ठीक है। दोनों इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, ठीक है। तो इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो एल, तो ये पॉजिटिव की वजह से रो एल डिवाइडेड बाई 2π ε0 रो 1, ठीक है। फर्स्ट की वजह से निकाल रहे हैं तो रो 1 हो गया, ए रो 1 कैप प्लस रो एल, ये माइनस लाइन निगेटिव है, ठीक है। ये जो लाइन चार्ज है ये निगेटिवली चार्ज है, तो माइनस रो एल हो गया, तो माइनस रो एल डिवाइडेड बाय 2π ε0 रो 2 ए रो 2, ठीक है। अब ये रो 1 वेक्टर क्या होगा, क्योंकि अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा तो इस तरीके से भी लिख सकता हूं, रो एल रो 1 वेक्टर डिवाइडेड बाय 2π ε0 रो 1 स्क्वायर माइनस रो एल डिवाइडेड बाय 2π ε0 रो 2 स्क्वायर वेक्टर रो 2, ठीक है। तो वेक्टर रो 1 और रो 2 क्या होंगे, तो वेक्टर रो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो रो 1 वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज टू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां से इस लाइन चार्ज से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम लोग लाइन चार्ज वाले में मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका वेरिएबल के टर्म्स में डिफाइन होगा वही आपके फाइनल वेरिएबल्स आएंगे इन रो 1 एंड रो 2, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 और z इक्वल टू h है, मतलब यहाँ पे y डिफाइन नहीं है, इसका मतलब जो y है वो कॉन्स्टेंट ही रहने वाला है, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0 y एंड h, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x y और z, ठीक है। जो दो वेरिएबल आपको दिया है, दो प्लेन, x इक्वल टू 0 प्लेन और z इक्वल टू h प्लेन, तो 0 और h एज इट इज रहेगा जो दिया हुआ है, और y जो आपका जो भी टर्म मिसिंग होगा वो जिस भी पॉइंट पे निकालना है वो दोनों पॉइंट पे वो जो टर्म होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि एक बार फिर से देखते हैं, अगर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 दिया हुआ है और आपको निकालना है x y z पे, तो इसमें कौन सा टर्म मिसिंग है, z इज मिसिंग, तो z मिसिंग है मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 1 1 z, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x y और z, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हम लोग इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो हमेशा फाइनल पॉइंट होगा, और जिस पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं वो हमेशा हमारा इनिशियल पॉइंट होगा, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे हमको निकालना इस पॉइंट पे, इस लाइन चार्ज के कोऑर्डिनेट 0 y और h है, ठीक है। तो 0 y h है मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो x माइनस 0 ए एक्स कैप, वाई जो है वो दोनों में कांस्टेंट है तो लिखने की जरूरत नहीं है, और फिर जेड माइनस एच, तो ये कितना हो जाएगा, जेड माइनस एच ए जेड कैप। तो रो वन जो वेक्टर होगा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज द डिस्टेंस रो वन विच इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस जेड माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली रो टू, रो टू के बारे में क्या होगा, तो रो टू जो होगा ये आपका इस लाइन चार्ज से यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अब, तो देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x इक्वल टू 0 z इक्वल टू माइनस एच, तो 0 y एज इट इज और माइनस एच, तो x y और z, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 दी है, z की वैल्यू माइनस एच दी है, और y आपका एज इट इज रहेगा। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हमारा फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 0 ax कैप, और y तो दोनों में सेम है तो y माइनस y 0 हो गया, और z माइनस ऑफ माइनस h, तो ये कितना हो गया, z प्लस h az कैप। तो रो 2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वही आपका डिस्टेंस होगा रो 2 विच इज रूट ओवर x स्क्वायर प्लस z प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो ड्यू टू लाइन चार्ज प्लेस्ड अबव इनफाइनाइट ग्राउंडेड परफेक्ट कंडक्टिंग प्लेन, ठीक है। अब आते हैं पोटेंशियल पे, सो पोटेंशियल अब हमको कैलकुलेट करना है ड्यू टू द लाइन चार्ज प्लेस्ड अबव परफेक्ट कंडक्टिंग प्लेन। सो द पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज क्या होता है, तो माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल। अगर हमको पोटेंशियल निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है तो मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूँ माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल, ठीक है। तो इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, तो रो एल अपॉन 2π ε0 रो ए रो कैप,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस रो एल अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट रो एरो कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन से डायरेक्शन में चेंज होता है, डीएल कौन से डायरेक्शन में चेंज होगा, रो के डायरेक्शन में, क्योंकि लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन से डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है, ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ रो, तभी तो हम लोग इसमें एरो कैप लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डीएल कितना हो जाएगा, डी रो एरो कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा रो एल अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये हो गया डॉट प्रोडक्ट वन, और डी रो अपॉन रो हो जाएगा, ये सारा टर्म कॉन्स्टेंट है, तो माइनस रो एल अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट और वन अपॉन रो मतलब एल एन रो, ठीक है। तो ये आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज, ठीक है। तो अब हमको निकालना है ये आपका पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज एंड बिकॉज ऑफ दिस इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज। तो इन दोनों लाइन चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो दैट डिपेंड्स ऑन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस रो, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल आएगा वो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव लाइन लॉन्ग लाइन चार्ज आएगा और बिकॉज ऑफ निगेटिव लाइन चार्ज आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव लाइन चार्ज को हम लोग लिख लेते हैं प्लस रो एल डिवाइडेड बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट रो वन, सॉरी टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन रो वन, ठीक है। तो टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन रो वन प्लस निगेटिव लाइन चार्ज की वजह से कितना आ जाएगा, तो माइनस रो एल डिवाइडेड बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन रो टू, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपका माइनस साइन है, तो ये कितना आ जाएगा रो एल अपॉन, वन मोर थिंग, यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी था तो यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे ऑलरेडी एक आपका माइनस साइन है तो उसकी वजह से यहाँ पे माइनस साइन, तो इसको एक स्टेप और लिखते हैं, तो माइनस रो एल अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा दोनों में ही, ठीक है। तो दोनों में से कॉमन लेने के बाद ये आएगा एल एन रो वन माइनस एल एन रो टू, ठीक है। सो दिस इज माइनस रो एल अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन रो वन डिवाइडेड बाय रो टू, सो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है। सो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ दीज टू लाइन चार्जेस, और इनडायरेक्टली वी कैन से कि दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी विच इज प्लेस्ड अबव द इनफाइनाइट ग्राउंडेड परफेक्ट कंडक्टिंग प्लेन। तो ये आपका पोटेंशियल हो जाएगा जिसमें वैक्टर रो वन और रो टू क्या है, तो वैक्टर रो वन एंड रो टू इज नथिंग बट दिस वन रो वन एंड दिस इज रो टू, वेक्टर नहीं है यहाँ पे, क्लियर। ये रो वन और रो टू यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये ओनली मैग्नीट्यूड्स हैं, तो ये सिर्फ डिस्टेंस है, मतलब कि हमको वेक्टर रो वन का मैग्नीट्यूड निकालना है और वेक्टर रो टू का मैग्नीट्यूड निकाल के यहाँ पे पुट करना है, सो वी विल गेट द पोटेंशियल, ठीक है।